गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आज के क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर बात किया जाए तो ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड में पाए जा सकते हैं अगर इनके कंडीशन को कोई भी कंपाउंड फॉलो करता है। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों जगह है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इलेवंथ में तो पढ़ना ही, साथ में ट्वेल्थ में भी ये टॉपिक बार बार रिपीट होता रहता है, बार बार आपके रास्ते में आएगा आगे बढ़ते समय। तो आपको बहुत अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को समझ लेना चाहिए, जिससे आने वाले मतलब चैप्टर में या क्लास में आपको दिक्कत ना हो। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेडिंग लिखिएगा सभी लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज के बाद आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दिक्कत होने वाला नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है ध्यान से समझना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जब हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हो और फिर वही हाइड्रोजन एटम किसी अनादर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होता है, जिस टेंडेंसी से अट्रैक्ट होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, जब हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पहले से अट्रैक्ट हो, जुड़ा हो, और फिर वो किसी अदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी रखता है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अप्लाई होता है वहां, उसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन से जुड़ा हो, अगर हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन से जुड़ा हो, अगर हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे नाइट्रोजन से जुड़ा हो, तो ये अगर देखा जाए तीनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तीनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है तो ये हाइड्रोजन एटम अगेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ने की टेंडेंसी रखेगा। मतलब जैसे ये दोबारा फ्लोरीन से, ये दोबारा हो सकता फ्लोरीन या ऑक्सीजन, कोई भी इन तीनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अट्रैक्ट होना चाहेगा। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ लग रहा है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी बनेगा जब वहां FH बॉन्डिंग, OH बॉन्डिंग और NH बॉन्डिंग हो। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। इसमें रियल में होता क्या है, यहाँ देखिए, मान लेते हैं फ्लोरीन और हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे है, ऐसे हाइड्रोजन एटम है। यहां अगर देखा जाए इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है ना, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ है फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में, तो कोवैलेंट बॉन्ड है। अब अगर दूसरा फ्लोरीन एटम इसके कांटेक्ट में जैसे ही आएगा, अगर दूसरा फ्लोरीन एटम इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये जो हाइड्रोजन है ये इस फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर देखा जाए बच्चों, यहां देखना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहां अगर देखा जाए तो फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव और यहां हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो रियल में यहां जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, ये देखिए, यहां पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा, अट्रैक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर अट्रैक्ट हो रहा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ अट्रैक्ट हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तभी तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट के वजह से जो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा, उसके वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा, उसी को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो अब सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कहाँ कहाँ है। तो कहीं भी दुनिया में कोई भी कंपाउंड अगर दिख जाए, ये कंडीशन अगर फॉलो करता है, ये मतलब कहीं भी FH
OH या NH बॉन्ड अगर होगा तभी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। कंडीशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, क्या कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए पहला कंडीशन तो यही है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन को जुड़ा होना चाहिए, मतलब वही एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम हो। अगर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है एटम का साइज स्मॉल हो, स्मॉल साइज हो एटम का, एटम का साइज अगर छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगा, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो पहला हाइड्रोजन बॉन्ड पहचानने का तरीका तुम्हें पता होना चाहिए, सेकंड कंडीशन पता होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगा या स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्लियर है बच्चों? अब देखो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड के हम टाइप्स की बात करेंगे। अगर देखा जाए तो दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो टाइप्स हैं बच्चों, एक को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सेकंड होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सेकंड है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान से समझिएगा, इनमें भी बच्चा कंफ्यूज रहता है, इंटर और इंट्रा। इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल को अगर कनेक्ट किया जाए हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, मतलब ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो दो मॉलिक्यूल के बीच में बने उसे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे, और इंट्रा का मतलब विद इन द मॉलिक्यूल अगर बन रहा है, अगर मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान से समझना, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग, जैसे मान लेते हैं मैं ले लेता हूं ऐसे ही एच एफ ऐसे, यहां दूसरा मॉलिक्यूल एच एफ, तीसरा मॉलिक्यूल एच एफ ले लेते हैं। तो एच एफ के अगर ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं तो आपको पता है यहाँ एच एफ में, यहाँ देखो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट है फ्लोरीन से। अब ये हाइड्रोजन जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दूसरे फ्लोरीन से अट्रैक्ट होगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। यहाँ देखिए हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट है, अब यहाँ जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये हाइड्रोजन दूसरे फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसी को इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। अगर देखा जाए ये दो मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, देखना एक मॉलिक्यूल ये हो गया और एक मॉलिक्यूल ये हो गया, तो दो मॉलिक्यूल के बिटवीन द मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, इस वजह से इसका नाम पड़ गया इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कौन सा बॉन्डिंग है, ये है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये बिटवीन द मॉलिक्यूल बनता है, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बीच में अगर बनेगा तो उसे हम बोलेंगे, सर क्लास चल नहीं रहा है, ऐसे ऐसे गधे बच्चे कह रहे हैं क्लास चल नहीं रहा, बिटवीन द मॉलिक्यूल। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगे तो उसे हम बोलते हैं इंट्रा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंट्रा के तो बहुत कम एग्जाम्पल मिलते हैं, एक दो एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता देता हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड में दिखता है। जैसे एक कंपाउंड यही है, इसको बोलते हैं बेंजीन, इसको क्या बोलेंगे बेंजीन, और इसके ऊपर अगर OH लगा है तो इसको बोलते हैं फिनोल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे फर्स्ट ईयर वालों को तो पता चलेगा, ट्वेल्थ वाले और नीट वाले बच्चे जान रहे हैं। और अब इसको क्या करेंगे, यहाँ NO2 जोड़ दें, ऐसे NO2 जोड़ दें,
तो यहां देखो हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट है कि नहीं, ये हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी ऑक्सीजन से कनेक्ट है। अब यही हाइड्रोजन दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। और कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर, क्यों, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बना हुआ है, विद इन द मॉलिक्यूल बन रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका नाम है बच्चों, इस कंपाउंड का नाम है अर्थो नाइट्रोफिनॉल, अर्थो पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है तो इसका नाम है अर्थो नाइट्रोफिनॉल। 11th वाले याद करेंगे अभी, और बाकी जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, और नीट वाले बच्चों को इसका नाम पता सर, रहता है। दूसरा अगर यहाँ पर मैं नाइट्रोजन ऐसा सकता है, नाइट्रो नाइट्रोजन का डिस्टेंस ज्यादा है उस हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन का डिस्टेंस कम है, उस वजह से ऑक्सीजन से ज्यादा अट्रैक्ट होगा, डिस्टेंस मैटर करेगा ना। ठीक है सर। अगर यहाँ देखा जाए तो इस पर कौन सी ज्योमेट्री है, इस पर बॉन्ड है, इसका अगर देखा जाए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, और जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ये सेंटर में आ गया, एक एटम यहाँ एक एटम यहाँ रहेगा, एक एटम यहाँ, तो ऑक्सीजन से डिस्टेंस कम है, इस वजह से ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होगा। अगर ऑक्सीजन यहाँ नहीं होता, नाइट्रोजन होता तो नाइट्रोजन से बनता, तो ऑक्सीजन से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। दूसरा एक कंपाउंड में और तुम्हें दिखाता हूँ, देखिए ये तुम्हें 12th में पढ़ाया जाएगा कंपाउंड को, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए, एक दो कंपाउंड तुम्हें याद होना चाहिए। ऐसे OH लगा दिया तो इसका नाम हो गया फिनॉल, और अगर इससे हम ऐसे जोड़ दें, अगर इससे ऐसे हम जोड़ दें OH ऐसे, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन एटम अगर देखा जाए तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट है ही, अब यही हाइड्रोजन एटम फिर ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होगा, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसका नाम है बच्चों अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, अर्थो हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 11th वाले इसको याद करेंगे, जब IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे तो 11th वालों को पता चल जाएगा। अगर देखा जाए तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल हो गए, और इधर वाले इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल हो गए। तो क्वेश्चन पहला नंबर इस तरीके का आएगा कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है, कैसे पहचानोगे, इस तरीके का कंडीशन की फ्लोरीन से या तो एच जुड़ा हो या ऑक्सीजन से एच जुड़ा हो या नाइट्रोजन से, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड वहां होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि इसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है, किसमें इंट्रा है, तो अगर इंटर तभी होगा जब दो मॉलिक्यूल के बीच में लगे, और इंट्रा कब होगा जब विद इन द मॉलिक्यूल लगे, तो इंट्रा का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, कम एग्जाम्पल मिलते हैं, लेकिन इंटर ही सारे, ज्यादातर इंटर ही रहेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है, इस तरह तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो उठेगा कि इसमें स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज्यादा है, तो इसका मतलब अगर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और साइज अगर छोटा होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा। जैसे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन वाला बनाएगा, ये मान लेते हैं पहला कंडीशन ये है, ये पहला कंडीशन, और ये मान लेते हैं दूसरा कंडीशन, और ये मान लेते हैं तीसरा, तो बताओ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका ज्यादा होगा, इसमें बताना। फ्लोरीन का हाँ, FeH का हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है और साइज सबसे कम है। क्लियर है बच्चों, यहां तक सबको कोई दिक्कत बताइए, बहुत कम लोग आज आए हैं, जी सर। 11th में आज बहुत कम लोग आए, ऐसा है इतने आलसी हैं कि दीपावली के चक्कर में जो है सोए अब हुए हैं। इतना आसान नहीं है कि सुबह जग करके क्लास ले लेना, अभी जो है हम 5 बजे क्लास ले सकते हैं, 5 बजे 6 बजे हम कभी भी क्लास ले सकते हैं, हम टीचर हो करके जग करके पढ़ा सकते हो, तुम लोग इतने गधे हो, स्टूडेंट हो करके तुम जग करके पढ़ ही नहीं सकते हो, तो कैसे दिमाग खुलेगा, वैसे मंद बुद्धि टाइप के रह जाओगे। बताओ मतलब इतना सुबह हो गया तभी जग करके ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर सकते। दूसरा रीजन ये भी है ऑनलाइन क्लास ना लेने का कि रिकॉर्डेड वीडियो टेलीग्राम पर अपलोड हो जाता है, तो
तो बच्चे सोचते हैं चलो यार वही देखेंगे, अभी सो लो थोड़ा सा। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? स्क्रीनशॉट इसको लेकर के आप ग्रुप में भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो ग्रुप में सेंड कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड अगर होगा तो क्या क्या मतलब पॉसिबिलिटी होगा, इसके एप्लीकेशन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर कहीं पाया जा रहा है तो। इसको हम हटाते हैं और ध्यान से समझना, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब किस तरीके का हमने यूज करना है इसको। देखो अगर कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल को कनेक्ट कर रहा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर अप्लाई करेगा तो मतलब एसोसिएशन की प्रॉपर्टी आ जाएगी, मतलब मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर के और नजदीक आ जाएंगे, नजदीक आएगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तभी तो नजदीक आएगा, तो इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मतलब जहां जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल के कंपेयर में ज्यादा हो जाता है। बात समझ में आया? अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तब भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है किसका ज्यादा है। बात समझ में आया बच्चों? अगर जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा बढ़ेगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा आपस में मॉलिक्यूल एसोसिएट उतना ज्यादा होगा। देखना ध्यान से समझना, जैसे पहला तो ये कंडीशन हो गया, दूसरा मैं तुम्हें बात बता देता हूं ध्यान से समझना। मान लेते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा दोनों दो कंपाउंड में है, दो अलग अलग कंपाउंड, एक में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक इंट्रा है, तो उस समय अगर बॉइलिंग पॉइंट हमें देखना हो तो ध्यान से समझना। जैसे मान लिया एक कंटेनर में ले लेता हूं, एक कंटेनर ऐसे और इधर एक कंटेनर ऐसे, और पहले वाले कंटेनर में मैं रख देता हूं अर्थोनाइट्रोफिनॉल, 12th में भी कल ही ये पढ़ाया गया है, 12th का टॉपिक है, 11th वाले पहले जान जाएंगे अभी, और 11th का देखो कॉन्सेप्ट 12th में आया था। अब जो 11th में नहीं पढ़ा होगा 12th का बच्चा तो उसको वहां तकलीफ हुआ होगा। और यहाँ देखो ऐसे दूसरा मैं कंपाउंड लेता हूँ, दूसरे कंटेनर में दूसरा कंपाउंड, यहाँ मैं OH यहाँ लगाता हूँ और पैरा पोजिशन पर NO2 लगा देता हूँ ऐसे ऐसे, और फिर दूसरा ऐसे ले लेते हैं और ऐसे ऐसे NO2 लगा दिया, ठीक है। अब अगर देखा जाए, अगर देखा जाए तो ये अर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट है, तो ये हाइड्रोजन एटम दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होगा इसी को बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसे बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंतर है, और यहां देखो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट है, अब यह हाइड्रोजन इससे अट्रैक्ट होगा, तो यहां देखो एक मॉलिक्यूल तो ऊपर था, एक मॉलिक्यूल ऊपर है एक मॉलिक्यूल नीचे है, तो यहां दो मॉलिक्यूल को ये बॉन्डिंग कनेक्ट कर रहा है, दो मॉलिक्यूल को, तो इसका नाम हो जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका नाम हो जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इंटर हो गया ये इंट्रा। अच्छा ये बताओ अगर देखा जाए तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल को कनेक्ट कर रहा है ना, तो मॉलिक्यूल अगर कनेक्ट होगा और इसको हीट अगर करना हो, बॉयल करना हो, अगर वेपराइज करना हो तो कौन पहले वेपराइज होगा, ए वाला कि बी वाला, कौन जल्दी वेपराइज होगा, ए वाला कि बी वाला? ए वाला जल्दी वेपराइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हो सब लोग ऐसे पकड़ करके एक दूसरे को, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बांध करके रखेगा तो जल्दी वेपराइज नहीं होगा। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात किया जाए तो ए का कम हो जाएगा किससे, बी से,
बी का ज्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये जल्दी वेपराइज ही नहीं होगा। और अगर तुमसे कहा जाए वोलेटाइल नेचर बताओ, वोलेटाइल नेचर मतलब कौन जल्दी वेपराइज होगा, तो ए वाला जल्दी वेपराइज हो जाएगा किसके कंपेयर में, बी के कंपेयर में। तो ये ध्यान देना, अगर कहीं इंट्रा और इंटर दोनों है तो इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपेरिजन में। बात क्लियर है बच्चों यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए? नो सर। चलो ध्यान से समझना, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ये तो एप्लीकेशन वाला पॉइंट रहा, हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर तुमसे कहा जाए कि बताओ इसमें किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन डैश किया, पहला ऑप्शन दे दिया है HF, दूसरा ऑप्शन दे दिया है NH3, तीसरा ऑप्शन दे दिया है H2O, चौथा ऑप्शन दे दिया है CH4। बताओ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है? HF में। क्या रीजन है? क्योंकि फ्लोरीन की लेटर नेगेटिविटी सबसे ज्यादा और साइज सबसे छोटा, तो अगर देखा जाए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखो दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझना, दूसरा क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट, किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है? पहला दे दिया है CH3OH, दूसरा दे दिया है CH3OCH3, तीसरा दे दिया है CH3NH2, और चौथा दे दिया है NH3। बताओ किसमें हाइड्रोजन पार्ट सर, किसमें हाइड्रोजन बी पार्ट में नहीं है? हाँ सही है, गुड। तो बी पार्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अब देखो यार, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्यों नहीं है। यहां अगर देखा जाए तो इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से कनेक्ट है। देखो अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो ऐसे ही तो बनेगा, सी से तीन हाइड्रोजन ऐसे कनेक्ट है ऐसे, और फिर ऐसे सिंगल बॉन्ड OH, देखो ये डायरेक्ट कनेक्ट है इससे, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो तीनों कार्बन से हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हैं और एक ऑक्सीजन बीच में है, ऐसे तीनों कार्बन से तीन हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो। तो अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन से कोई हाइड्रोजन कनेक्ट है? नो, मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ देखो तीसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड है और चौथे में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो किस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है? बी ऑप्शन सही है। क्लियर है बच्चों यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए, बोलो। नो सर। चलो अगला एक क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है कि H2O, दो एग्जांपल, एक H2O ले लो और एक H2S ले लो। अरे भाई सल्फर और ऑक्सीजन एक ही ग्रुप के हैं, अगर देखा जाए H2O और H2S बनाता है, तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट कम है और H2S का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है तो रूल के अकॉर्डिंग उसको सॉलिड स्टेट में होना चाहिए या लिक्विड में होना चाहिए, मतलब मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा कंपाउंड का उसका जो है जो स्टेट होता है वो लिक्विड या सॉलिड में होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर मास कम है तो वो गैसियस में रहता है रूल के अकॉर्डिंग, बट यहाँ देखिए आप उल्टा दिख रहा है, अगर देखा जाए तो वाटर एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में नॉर्मल टेम्परेचर पर, और जबकि H2S का मॉलिक्यूलर मास भले ही ज्यादा है बट ये एग्जिस्ट करता है गैसियस में, जबकि अगर ये गैस में है तो वाटर को भी नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस में ही होना चाहिए। अरे भाई जब हाइवियर मास वाला गैसियस में है तो लोअर मॉलिक्यूलर मास वाला क्यों लिक्विड में जा रहा है, क्या रीजन है? तो रीजन यही है कि यहाँ वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है। जैसे मान लिया वाटर मॉलिक्यूल है आपके पास ऐसे,
ये वाटर है ऐसे ऐसे, तो वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन पहले से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट था, अब ये किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो आप देख रहे हो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं, नजदीक आ जाएंगे, चिपक जाएंगे। और आपको पता है जब मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे तो लिक्विड में शिफ्ट हो जाता है, और नजदीक आ जाएंगे तो वो सॉलिड में हो जाता है। तो रीजन क्या है, वाटर को नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड एग्जिस्ट करने का या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करने का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है बच्चों, बताइए, बोलो। क्लियर है सर। चलो अब एक क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछ लिया जाता है आपसे, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाटर अगर देखा जाए तो लिक्विड स्टेट और सॉलिड में दोनों पाया जाता है, लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में वाटर जाता है तो सॉलिड स्टेट में अगर देखा जाए तो वाटर की डेंसिटी कम ज्यादा होना चाहिए। अगर देखा जाए कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड में जाता तो ज्यादा डेंस हो जाता है ना, अरे मान लेते हैं कोई भी सब्सटेंस है लिक्विड में है तो कम डेंसिटी है, सॉलिड में गया बहुत डेंसिटी हो गया। लेकिन फिर भी आपने देखा हुआ है कि बर्फ पानी पर ऐसे तैरता रहता है, बर्फ कभी डूबता है पानी में नहीं, रीजन क्या है, बर्फ के तैरने का क्या रीजन है, जानते हो क्या है रीजन? देखो जो वाटर है, वाटर जब लिक्विड स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में जब रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना ही है, लेकिन जैसे जैसे मतलब और बर्फ में जब कन्वर्ट हो जाता तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत अच्छे से चिपक नहीं पाते हैं वाटर मॉलिक्यूल चिपक नहीं पाते हैं, बीच में वायर टाइप का वैकेंसी जनरेट हो जाता है दो दो तीन तीन वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब ये ऐसा नहीं कि एकदम चिपक जाते हैं उनके बीच में, वायर ना जनरेट हो। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जहां फायदा है तुरंत हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो वाटर मॉलिक्यूल या दो से अधिक वाटर मॉलिक्यूल के बीच में वाइड यानी वैकेंसी जनरेट हो जाता है, वैकेंसी जनरेट होने की वजह से ओवरऑल जो डेंसिटी होता है बर्फ का वो पानी से कम ही रह जाता है, और जब बीच में वैकेंसी जनरेट रहेगा तो हल्का हो जाएगा ना, और हल्का हो जाएगा तो फिर पानी पर जो है लिक्विड स्टेट वाले पानी पर बर्फ तैरता रहता भले ही सॉलिड में है। तो क्या तुम बताओगे रीजन, केज लाइक स्ट्रक्चर, जो वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है, आइस का जो स्ट्रक्चर होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर मतलब वैकेंसी जनरेट हो जाता है, दो दो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में वैकेंसी होल जनरेट हो जाता है, इससे मतलब उसकी डेंसिटी उसका एरिया तो उतना रहेगा लेकिन अंदर वैकेंट स्पेस आ जाता है, उससे डेंसिटी उसका प्रभाव हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाता है, इस वजह से बर्फ पानी पर ऊपर ऐसे तैरता रहता है। तो ये जो है नोट्स मैं जो सेंड करूंगा, जितना मैं पढ़ाया हूँ पूरा केमिकल बॉन्डिंग में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पूरा कॉन्सेप्चुअल नोट्स में पूरा लिखा गया है, तो उसको आप देख करके आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बोलिए। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने लोग हैं क्लास में? रंजीत शर्मा, सगुन सूर्यवंशी, सान्या त्रिपाठी, प्रियांशु पांडे, हरिओम कसौदन, दिव्यांशु दियो, चंदन, आर्यन प्रसाद चौधरी, अंश पांडे, अंशिका मिश्रा, प्रिंस। चलो तो ऐसा करिए आप लोग फिर से ज्वाइन करिए और हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिजोनेंस, 11th का रिजोनेंस हम लोग कवर करेंगे, फिर से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि अभी बीच में कट जाएगा तो फिर सही नहीं है, तो आप फिर से ज्वाइन कर लो, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर एक क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, बोलो सर। क्वेश्चन है कि NH3 हैज मच हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PH3 बिकॉज़। हाँ तो वही तो रीजन है यार, देखो बता रहे, समझो अभी देखो
कहा जा रहा है कि NH3 और PH3 दो मॉलिक्यूल हैं। अगर देखा जाए नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही ग्रुप के हैं, अगर इनका देखा जाए मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, मैक्सिमम पर है मतलब इनसे ज्यादा है, और इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, मॉलिक्यूलर वेट इसका मिनिमम कम है, लेकिन फिर भी ये NH3 जो है अगर देखा जाए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड है, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से NH3 के मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट रहते हैं, अब मतलब अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से खींचे रहते हैं, तो जल्दी बॉयल नहीं होते हैं, जबकि इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। बात समझ में आया? ऐसे सेम ही जैसे वाटर लिक्विड में एग्जिस्ट करता था जबकि H2S है गैस में, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था। ऐसे यहाँ भी ऐसा कह सकता था कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज्यादा होता है, क्यों? तो सेम रीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्लियर है कि नहीं बताओ? यस सर क्लियर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगा? क्योंकि NH बॉन्डिंग है ना, NH मतलब नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन जुड़ा, इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। जबकि PH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं है? क्योंकि जब PH3 का जब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो हाइड्रोजन फास्फोरस से कनेक्ट हो गया है, और जबकि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है नहीं, तो इस वजह से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। जबकि NH3 में नाइट्रोजन से डायरेक्ट हाइड्रोजन कनेक्ट है ऐसे, और जब दूसरा NH3 मॉलिक्यूल ऐसे लाएंगे ऐसे ऐसे, तो ये देखो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट है, अब यही इसके नाइट्रोजन से अट्रैक्ट होगा, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके वजह से दो NH3 मॉलिक्यूल आपस में चिपक करके रहेंगे, तो जल्दी बॉयल नहीं कर पाएंगे, तो BP इसका ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्लियर है? तो ये टॉपिक समाप्त हो चुका है, आप लोग फिर से ज्वाइन करो, फिर मैं कवर करता हूँ रिजोनेंस। फिर से सब लोग ज्वाइन कर लो, फिर रिजोनेंस कवर करते हैं। रिजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ऑर्गेनिक में हमें पढ़ना है, लेकिन यहाँ भी हम लोग कवर करते हैं